जब मरीज के गॉल ब्लैडर के अंदर पथरी का आकार बढ़ने लगता है तो उसके कारण वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है और बार बार इन्फ्लामेशन होने से वहाँ पे इन्फेक्शन भी होने का खतरा बढ़ जाता है। जब ये बार बार इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन गॉल ब्लैडर के अंदर होता है तो मरीज को जी मतलाना और उल्टियाँ होने लगती हैं और साथ ही साथ बहुत तेज़ पेट दर्द होता है, ख़ास तौर से पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में यहाँ पे, और ये नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ या शोल्डर की तरफ भी ये दर्द आ सकता है। तो ये लक्षण होते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन के। बट अगर ये चीज़ बार बार होने लगती है तो आपको कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए या कई बार जान के खतरे को बचाने के लिए इसके लिए सर्जरी करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हालांकि मनुष्य बिना गॉल ब्लैडर के भी जीवित रह सकता है, मगर सर्जरी करने के बाद उसके कुछ दुष्प्रभाव या कॉम्प्लिकेशंस और परेशानियां भी होने लगती हैं। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन और आज इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि गॉल ब्लैडर स्टोन रिमूवल या गॉल ब्लैडर की सर्जरी के बाद वो कौन कौन सी परेशानियाँ होती हैं, कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, आपको सर्जरी के बाद कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए और आप इन कॉम्प्लिकेशंस को या इन परेशानियों को कैसे दूर कर सकते हैं। जनरली गॉल ब्लैडर सर्जरी के बाद बहुत सारे मरीजों में इवन 24 घंटे के अंदर अंदर ही बहुत ज़्यादा पेट के अंदर गैस बनना और पेट के अंदर दर्द शुरू हो जाना, ये बड़ा कॉमन लक्षण होता है। कई बार मरीज को अस्पताल से छुट्टी होने के बाद वो ये कहता है कि अरे अब तो हमने गॉल ब्लैडर रिमूव भी करा दिया, उसके बाद भी हमें क्यों बार बार उसी जगह पे दर्द हो रहा है। उसका कारण ये होता है कि जब गॉल ब्लैडर रिमूव हो जाता है तो जितना भी बाइल जूस पहले इस पित्त की थैली में इकट्ठा होता था वो अब सीधे के सीधे आंत में गिरने लगता है। अब उसकी कोई क्वांटिटी जो है, कितना आपके भोजन में भोजन को पचाने के लिए बाइल जूस चाहिए होता था, अब कोई उस क्वांटिटी को निर्धारित नहीं करता क्योंकि गॉल ब्लैडर निकल चुका है। अब ये बार बार जल्दी जल्दी जैसे बनता है वैसे सीधे हाथ में बाइल जूस चला आता है, तो इसके कारण जो आपका भोजन है वो ठीक से नहीं पचता है और जब भोजन ठीक से नहीं पचता है तो वहाँ पे गैस बनती है और फिर आपको पेट दर्द भी होने लगता है। इससे बचे कैसे? आपको शुरुआती दिनों में तरल, बहुत ही तरल भोजन का इस्तेमाल करना चाहिए। दाल का पानी, नारियल का पानी या जूसेस का इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल चिकने तले भोजन ना करें, ऐसा भोजन ना करें जो देर से पचे, और फिर धीरे धीरे ऐसे भोजन का इस्तेमाल करें जिसके अंदर फाइबर की मात्रा ज़्यादा हो, तो आपको धीरे धीरे गैस बनना कम हो जाएगी और आप जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा बीच में खाना खाते रहें, कभी एक बिस्किट खा लिया या कुछ एक फ्रूट खा लिया, सो दैट जब ऊपर से बाइल जूस आता है तो उसका असर भोजन के ऊपर पड़े, ना कि आपके आंतों के अंदर जाके वो एसिडिटी करे या वहाँ पे आपको गैस बनाने का कारण बने। दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है कब्ज़। मरीज को सर्जरी के बाद जनरली कब्ज़ होती है और अक्सर मरीजों को अस्पताल से छुट्टी होने के बाद भी कब्ज़ होती है, उनको लेट्रिन नहीं आती है, उनका मल पास नहीं होता है। उसका कारण मुख्यतः होता है जो नशे की दवाई दी जाती है उससे कई बार कब्ज़ होता है, और उसके अलावा भी जो बाकी दूसरी दवाइयाँ आपको दी जाती हैं, चाहे वो दर्द की दवाइयाँ हों या कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, वो भी कॉन्स्टिपेशन का कारण बन सकते हैं। लेकिन अगर ये कॉन्स्टिपेशन लंबे दिनों तक चलता है, आपको 24 घंटे 48 घंटे के बाद भी अगर लेट्रिन नहीं आती है तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके लिए भी आपको ऐसी डाइट का इस्तेमाल करना चाहिए जो जल्दी पच जाए। इसके लिए आपको अधिक फाइबर वाले भोजन का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे बीन्स, चोकरयुक्त आटे से बनी रोटियाँ, साबुत फल, साबुत अनाज और हरी सब्जियाँ या दूसरी सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल। साबुत फलों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल जब करेंगे तो उसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा होगी और आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा और ये पचने में भी आसानी से पच जाएंगे, तो इनडाइजेशन नहीं होगा। दूसरे, आपके डॉक्टर ने आपको कुछ लेग्जेटिव्स दिए होंगे जिससे आपको लेट्रिन आसानी से यानी कि थोड़ी सी सॉफ्ट आ जाएगी, तो आप अपने डॉक्टर की सलाह से उस लेग्जेटिव को भी ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर कॉन्स्टिपेशन रहेगा, आपको 2-3 दिन तक लेट्रिन नहीं आएगी, तो इससे आपकी सर्जरी के बाद कुछ और कॉम्प्लिकेशंस होने का डर बन जाता है, तो कॉम्प्लिकेशंस को ना होने दें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जो तीसरा सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है या प्रॉब्लम आपके सामने आती है वो होती है कि घाव का जल्दी ठीक ना होना, घाव के अंदर इन्फेक्शन हो जाना, और वो इन्फेक्शन अगर शरीर की तरफ फैल जाता है तो फिर आपको बहुत तेज़ बुखार आता है ठंड लगने के बाद, जिसका ये मतलब होता है कि अब इन्फेक्शन आपके शरीर में भी फैल गया है।
ऐसी हालत में आपको अपने डॉक्टर से फौरन सलाह मशवरा करना चाहिए सो दैट वो सही समय पे सही इलाज कर सके। कई बार ऐसा भी होता है कि जो इन्फेक्शन है वो लोकलाइज रहता है, आपका जो वूंड है वो हील नहीं होता है, वहाँ पे पस फॉर्मेशन हो जाता है, तो उसके लिए भी आपको डेली ड्रेसिंग कराने की ज़रूरत है और ड्रेसिंग भी आपको एंटीसेप्टिक कंडीशंस में करानी चाहिए। ऐसे नहीं हो कि बिना ग्लव्स के या बिना स्टेराइल ग्लव्स और इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किए आपको ड्रेसिंग की जाए। अगर आपके डॉक्टर ने आपको कोई एंटीबायोटिक मरहम या कोई क्रीम लगाने के लिए दिया है वूंड पे तो उसको भी इस्तेमाल करें। हालांकि जो ओपन सर्जरीज हैं वहाँ पे वूंड में इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा रहता है, लेकिन लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज में वूंड में इन्फेक्शन होने का खतरा कम होता है। लेकिन कई बार अगर लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट को भी यूज़ करने में लापरवाही बरती गई हो, वो ठीक से स्टराइल ना हो इंस्ट्रूमेंट्स, तब भी आपको इस तरह के इन्फेक्शंस यानी कि इवन अंदर भी वूंड में इन्फेक्शन होने का खतरा बड़ा होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है। हालांकि आपके कंट्रोल में नहीं है, बट आप अच्छा अस्पताल और अच्छा डॉक्टर चूज़ कर सकते हैं सो दैट आप इस तरह के खतरे से बच सकें, क्योंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। जो चौथा सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है गॉल ब्लैडर सर्जरी के बाद, गॉल ब्लैडर को रिमूव करने के बाद, कई बार ड्यूरिंग सर्जरी ऑपरेशन के दौरान जो बाइल डक्ट होती है, कॉमन बाइल डक्ट, उसमें इंजरी हो जाती है, उसमें कोई इंस्ट्रूमेंट लग जाता है। अगर ऐसा होता है तो जो बाइल है वो आंत में ना जाके आपके पेट में गिरने लगता है, लीक होने लगता है, और अगर ये कंटिन्यू रहता है तो इससे फिर दूसरे कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकते हैं, इवन पेरिटोनाइटिस भी हो सकता है, आपके पेट में इन्फेक्शन भी हो सकता है, और ये भी एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होती है। तो इसको भी इग्नोर ना करें और फौरन अपने डॉक्टर को इत्तला दें, उसका सलाह मशवरा लें। इससे बचने के लिए भी यह है कि आप अपने आप को ऑब्जर्व करें, देखें कि कुछ अलग तरह के सिम्टम्स तो नहीं आ रहे हैं जिनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और जो पांचवा कॉम्प्लिकेशन होता है, कॉमन कॉम्प्लिकेशन इस सर्जरी के बाद या गॉल ब्लैडर सर्जरी के बाद, वो था हर्निया। हालांकि ये किसी भी एब्डोमिनल सर्जरी पे बहुत कॉमन है, इंसीजनल हर्निया, क्योंकि जो वूंड की लाइन होती है वहाँ पे जो आपकी मसल्स हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, ख़ास तौर से जब ओपन सर्जरीज होती हैं तो उसमें लंबा चीरा लगता है, जिसकी वजह से वहाँ की जो मसल्स की स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिस्ट्रक्ट होती है और यहाँ पे हर्निया होने का डर बन जाता है। तो अगर आपको इंसीजन लाइन पे कुछ बल्जिंग उभार जैसा दिखने लगे, खांसी के साथ उभार बढ़े, तो ये समझें कि वो इंसीजनल हर्निया है, इसको भी आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये भी अगर ठीक समय पे इसका ध्यान ना दिया जाए तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है। हालांकि ये शुरुआती दिनों में नहीं आते हैं लक्षण, ये वूंड ठीक होने के बाद महीने दो महीने बाद या साल भर बाद भी आपको इंसीजनल हर्निया आ सकता है, तो इसको ऑब्जर्व करके रखें। इसके अलावा कई बार इंसीजन लाइन पे एक मोटी सी लाइन बन जाती है, इसको क्लोइड कहते हैं, ये भी सर्जरी के बाद बड़ा कॉमन सा कॉम्प्लिकेशन है। अगर ऐसा होता है तो इसके लिए भी आप अपने डॉक्टर से सलाह कर मशवरा करें, कुछ स्टेरॉइड्स इंजेक्शन लगाने के बाद ये ठीक हो जाती है, ये सिम्टम्स इसके थोड़े से कम हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ और सिम्टम्स भी हो सकते हैं, कई बार खून का थक्का जम जाता है सर्जरी के दौरान, और अगर ये खून का थक्का आपके फेफड़ों की तरफ चला जाए, जिसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, इमरजेंसी कंडीशन होती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि अचानक से सांस में दिक्कत होने लगती है, फौरन अस्पताल की तरफ जाए। उसके अलावा जख्म का देरी से भरना हो सकता है, अगर आप डायबिटिक हैं तो आपका जख्म देर से भर रहा हो, या कुछ और रीजंस भी हो सकते हैं, आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो, तो अगर जख्म देरी से भरता है तो फिर ख़ास तौर से ओपन सर्जरीज में तो सेकेंडरी हीलिंग की ज़रूरत पड़ती है और महीनों तक जख्म ओपन रहता है, लेकिन लेप्रोस्कोपिक में छोटे इंसीजंस होते हैं वो फिर भी जल्दी भरते हैं कंपेरेटिवली, बट अगर आपका जख्म नहीं भरता है, वहाँ से पस आता है, तो इसको भी इग्नोर ना करें। उसके अलावा मरीज़ को कई बार पोस्ट सर्जरी कॉम्प्लिकेशंस दूसरे भी आ जाते हैं, कुछ लोगों को सर्जरी के बाद ब्लड शुगर बढ़ जाता है, या उसके अलावा उनके मूड स्विंग्स भी होते हैं, तो ये कुछ छोटे मोटे और लक्षण या सिम्टम्स भी आते हैं सर्जरी के बाद, हालांकि वो धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाते हैं। कई बार जो नशे की दवाई दी जाती है उससे मरीज़ को पेशाब रुक जाता है कुछ समय, 24 घंटे 48 घंटे के लिए भी, बट हालांकि आप उस समय अस्पताल में होते हैं तो डॉक्टर उसका ध्यान रखता है, लेकिन अगर घर आने के बाद भी ऐसा होता है तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन और होता है, हाथों में बंद लगना। उसमें क्या होता है कि मरीज़ का पेट फूलता है, मरीज़ को गैस पास नहीं हो पाती है, पेट में बहुत दर्द होता है, पेट चढ़ने लगता है, फूलने लगता है, ये सारे जो लक्षण हैं ये आँत में बंद लगने के कारण होते हैं। तो अगर कॉन्स्टिपेशन है और ये सारे आपको लक्षण आ रहे हैं तो इसको भी इग्नोर ना करें, क्योंकि सर्जरी के बाद जनरली आँतों में बंद लगने का डर रहता है, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है, इसको भी आप इग्नोर ना करें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वाकई ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन का बटन भी दबा लें सो दैट इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलते रहें। थैंक यू।